Tato kador. ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यही है। समंदर के किनारे एक छोटे से इलाके में बसा भटकल, जहाँ की आबादी तकरीबन 80,000 है। जरियाए माश के कुछ गिने चुने जराए हैं, लेकिन तालीम का फीसद बाद दूसरे इलाकों से खासा बेहतर है। तालीम को फरोग देने के लिए यहाँ पर आजादी से कबल ही कोशिशें शुरू हो गई थी। सन 1919 में बाद तरक्की पसंद मुस्लिम अफराद ने अंजुमन हामी मुस्लिमों की बुनियाद डाली। आजादी से कबल हिंदुस्तान में अकलियती तबके की तालीम को परवान चढ़ाने का काम सर सैयद अहमद खान के जरिए शुरू किया जा चुका था। भटकल में अलीगढ़ तहरीक से मुतासिर होकर मरहूम एम एम सिद्दीक, आई एच सिद्दीक और एस ए हसन ने तालीम की बुनियाद डाली। अलीगढ़ मूवमेंट जब स्टार्टेड, द होल एयर वाज स्प्रेडिंग साउथ इंडिया एंड आई थिंक अंजुमन वाज वन फर्स्ट व्हिच भटकल द फर्स्ट वन व्हिच टेक अप द एयर ऑफ दिस मूवमेंट एंड स्टार्टेड अंजुमन इन 1919। I think if you see in South India, we are the second or third oldest institution, reaching 96 years now. And this is a part of the Aligarh movement which Sir Syed Khan started. And we are the recipient and revivers of the movement. Sir, 1919 mein sabse pehle Anjuman Nursery School ki buniyad padi. 1929 mein jise high school mein tabdeel kiya gaya. आज ये स्कूल एक तरक्की याफ्ता भटकल की बुनियाद है। बिगिनिंग ऑफ अंजुमन, यू बी सरप्राइज टू नो, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मदरसा। सो द ऑलवेज व्हेन वी स्टार्टेड अंजुमन, आवर होल व्यू वाज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, बोथ एनी एंड बिलीव। वी नेवर सेपरेटेड एज सेकुलर एंड रिलीजियस। सो अंजुमन राइट फ्रॉम गो टुवर्ड गो हैड बोथ एजुकेशन टू इट। भटकल आज आला तालीम का एक बड़ा मरकज बन चुका है। अंजुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट न सिर्फ भटकल बल्कि आसपास के इलाके के तुलबा को आला तालीम की सहूलतें मुहैया करा रहा है। एमबीए के तुलबा को यहाँ पर जदीद तकनीक के जरिए तालीम मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पर ऑडियो विजुअल के जरिए तुलबा को आज की जदीद तर्ज तालीम से जोड़ने की कोशिशें की जा रही है। तुलबा में मुकम्मल सलाहियतें पैदा करने के लिए तालीम के साथ साथ उन्हें खेलकूद और पास दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से भी जोड़ा जाता है। इंडोर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ खेल के सामान मौजूद हैं। एक खुले और खुशगवार माहौल में तुलबा को पढ़ाई करने में लुत्फ आता है। यहाँ पर एक बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे तुलबा के लिए यहाँ पर सभी तरह की सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर साइंसी तजुर्बात के लिए मुख्तलिफ लैब्स बनाए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लैब्स मौजूद हैं। मशीन लैब में
तुलबा को बड़े प्रोजेक्ट्स करवाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में इलेक्ट्रिक और मशीन से जुड़े बड़े तजुर्बा कराए जाते हैं, जो न सिर्फ तुलबा की पढ़ाई में काम आते हैं बल्कि उनकी आइंदा जिंदगी में भी मदद करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास है, मसलन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है और इंफॉर्मेशन साइंस है। ये 6-6 हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स कह लेते हैं हमने लिया है, अभी तक लिया है। आइंदा और भी अगर कहीं डिमांड हो जाएगा या तो वो भी इंट्रोड्यूस करने का ख्याल है। वुमेन्स कॉलेज की एक बड़ी इमारत का काम जारी है, जो कर्नाटक में ख्वातीन की तालीम का एक बड़ा मरकज बनेगा। अंजुमन हामिले मुस्लिमों का मकसद एक अच्छे इंसान की तामीर है, जहाँ पर प्राइमरी सतह से ही बच्चों को न सिर्फ जदीद तालीम से आरास्ता किया जाता है बल्कि उनके अखलाकियात पर भी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। यहाँ पर बुनियादी सतह से ही बच्चों को अमन और यकजहती का दर्ज दिया जाता है और उनमें वतन परस्ती और वतन की खिदमत करने का जज्बा पैदा किया जाता है। I think if you see in South India, we are the second or third oldest institution, reaching 96 years now, and this is a part of the Aligarh movement which Sir Syed Khan started, and we are the recipient and revivers of those movements. सन 1919 में सबसे पहले अंजुमन नर्सरी स्कूल की बुनियाद पड़ी। 1929 में जिसे हाई स्कूल में तब्दील किया गया। आज ये स्कूल एक तरक्की याफ्ता भटकल की बुनियाद है। बिगिनिंग ऑफ अंजुमन, यू बी सरप्राइज टू नो, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मदरसा। सो द ऑलवेज व्हेन वी स्टार्टेड अंजुमन, आवर होल व्यू वाज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, both Hindi and Bengali. We never separated as secular and religious education. So Anjuman, यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के जरिए भी तालीम दी जा रही है, जिससे तुलबा की मुकम्मल तरबियत हो रही है। स्मार्ट क्लासेस में हम लोग सब सब्जेक्ट लेते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट लेते हैं। अभी लास्ट ईयर ही हमने इंट्रोड्यूस किया है ये जो स्मार्ट क्लास डिजिटल बोर्ड, हमने इंट्रोड्यूस किया है और उसमें आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल मेथड, जो मोस्ट जो एडवांस है, तो उसमें जो है ये कि जो है इवन इक्वली यूजफुल फॉर बोथ, आई मीन फॉर टीचर्स एंड एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स आल्सो। तुलबा की मुकम्मल तरक्की के लिए इनके जिस्मानी कुव्वत का भी ध्यान रखा जाता है, जिसके तहत उन्हें खेल कूद का मुकम्मल मौका फराहम कराया जाता है। अंजुमन ने हालांकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अलग अलग लाइब्रेरी का इंतजाम किया गया है, लेकिन एक खास लाइब्रेरी है जिसमें मुख्तलिफ शोबों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा अपनी जरूरत की निसाबी और गैर निसाबी किताबें हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ई लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया है, जिससे तुलबा को दुनिया की तमाम इल्म को हासिल करने में मदद मिलती है। अंजुमन डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज तुलबा को एक मयारी तालीम मुहैया कराने की कोशिश करता है। हमारी तो आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टीज है यहाँ पर, और
कॉमर्स में हमारी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, करीब करीब 350 बच्चे कॉमर्स में ही है, और बीएससी में 100 करीब, और बीए में 70 है। कंप्यूटर साइंस के साथ कॉम्बिनेशन दिया जाता है बीएससी के लिए, आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये ऑप्शंस में कोई तो चूज कर लेते हैं। और इन एडिशन टू दैट हमारे पास पीजी के कोर्सेज चलते हैं, एमकॉम और एमए इन कनाडा, और साथ साथ पीजीडीसीए का एक कोर्स भी चलाया जाता है। एक खास बात है कि भटकल में खातिर की तालीम को खुसूसी अहमियत दी जाती है। यहाँ पर लड़कियों की तालीम का फीसद लड़कों से कहीं ज्यादा है। We have more girls students than the boys students. Our standard of education, girls are much superior to boys. They are getting ranks and classes, and our institution is growing. Out of 8,000, I should say almost 4,000 girls, and in fact it's growing. Our problem is the other way around. We don't have to encourage. We are in a place where ladies explosion is taking place religiously. So we are not a closed society, as you're seeing here when you walk up there. But their education, they are very much liberated society. And our community, because Islam has made education compulsory for men and women. There is no separation. यहाँ पर तालीम हासिल कर रही लड़कियाँ काफी कॉन्फिडेंट हैं और मुस्तकबिल को लेकर इनका नजरिया बिल्कुल साफ है। हमारी तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स फैकल्टीज है यहाँ पर, और कॉमर्स में हमारी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, करीब करीब 350 बच्चे कॉमर्स में ही है, और बीएससी में 100 करीब, और बीए में 70 है। कंप्यूटर साइंस के साथ कॉम्बिनेशन दिया जाता है बीएससी के लिए, आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये तीन ऑप्शंस में कोई तो चूज कर लेते हैं। और इन एडिशन टू दैट हमारे पास पीजी के कोर्सेज चलते हैं, एमकॉम और एमए इन कनाडा, और साथ साथ पीजीडीसीए का एक कोर्स भी चलाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन नए दौर की सामाजिक जरूरियात को पूरा करने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। And our teachers are continuously self-training to upgrade them with the modern technology. In fact, they are thinking of studying a top class, like high-class school in Bhattal, is equivalent to maybe Rowdale and others. They are thinking in those terms, not a very, just for a small town like this. And because our people have a finance, money, they can pay the fees. And we maybe poor, we can give scholarship. So we want to have a top-class school in Bhattal. This is our next aim. And our colleges, we give scholarship. You know, everywhere you find here, there is no problem for anybody to study. We want people to learn. And Bhattal is 100% literate place. In the district of Uttara Karnataka, we are the highest educated. Mangalore, Udupi and Bhattal. These are the 300% literate place in our Karnataka. यूनिवर्सिटी कॉलेज के जरिए अंजुमन तुलबा को आला तालीम के लिए तैयार कराता है। यहाँ पर तालीम का माहौल तुलबा को हर जाविये से मदद करता है। यू कॉलेज में तकरीबन 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और ए पी यू कॉलेज में जो पढ़ते हैं बच्चे, ये टर्निंग पॉइंट होता है बच्चों का, इसीलिए लास्ट ईयर से CBSE सिलेबस भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, और यहाँ पर हमने रिजल्ट अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए एडॉप्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं। वो एडॉप्शन सिस्टम ये होता है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, वो सारे लेक्चरर्स को बांटी 25 या 30 बच्चों के से, अब उनका परफॉर्मेंस उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट करते रहते हैं, और उनके लिए हम रेमेडियल क्लासेस भी लेते हैं। उसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है ना, अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। लड़कियों के कॉलेज में भी पर्दे का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे पूर्व तहफ़ के माहौल में लड़कियाँ बेहतर तालीम हासिल कर पाती हैं, और आज के जदीद तालीमी निज़ाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाती हैं।
हम ज़हनी तौर पर बच्चों की तरबियत यूँ करते हैं कि उनको सबसे पहले तो अपने अकदार से जुड़े रखते हैं, मजहब से जुड़े रखते हैं, और उसके बाद में अंजुमन का एक और एहसान रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है इसके कई ये लोग अपने इन्होंने स्मार्ट बोर्ड इंट्रोड्यूस किया है और प्रोजेक्टर वगैरह, और ये लोग काफ़ी काबिल टीचर्स को ला रहे हैं। तो इस सिलसिले में न सिर्फ ये कि मजहबी रहनुमाई हो रही है, यहाँ पे बाकायदा दीनियात का भी पीरियड चलता है, तो अखलाक तालीम भी दी जा रही है, साइड बाई साइड आपका जो है असली तालीम वो भी हो रही है, और फिर टेक्नोलॉजी से आपको जोड़ा जा रहा है। तो एक तरह से आपका जो बच्चा निकल रहा है यहाँ से, जो भी तालिबान निकल रही है, वो टोटली वो प्रिपेयर है हर चीज़ के लिए। अंजुमन तालीम के लिए असातिज़ा की जरूरत को बखूबी महसूस करता है। उनका जो रेगुलर कोर्स होता है वो 10 महीने का कोर्स होता है, जिसमें टीचिंग मेथड्स और टीचिंग टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, और उस यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री मिलती है बीएड। इसके अलावा हम एक और स्कीम स्टार्ट किए हैं, टीचर्स को बीएड की जो क्वालिफिकेशन जिनको नहीं है और जिनको है और भूल चुके हैं, उनके लिए हमने एक बाहर से कंसल्टेंट लाया है, टीचर्स ट्रेनिंग फाउंडेशन बोल के वो एक एनजीओ है, उनके जरिए साल में 10 वर्कशॉप्स उन्होंने अरेंज किया है। द वर्कशॉप इज टू चेंज देयर माइंडसेट सच दैट दे आर मोर पीपल ओरिएंटेड, सो इंस्टेड ऑफ सिलेबस ओरिएंटेड दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टूडेंट्स इन देयर इम्प्रूवमेंट, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वी हैव बीन कंडक्टिंग फॉर द लास्ट 2 इयर्स। यहाँ पर लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पे एक विमेंस कॉलेज कायम किया गया, जहाँ मयारी तालीम दी जा रही है, और तालिबात रियासती सतह पर अव्वल मुकाम हासिल कर रही हैं। विमेंस कॉलेज की एक बड़ी इमारत का काम जारी है, जो कर्नाटक में खातिन की तालीम का एक बड़ा मरकज बनेगा। अंजुमन हामिद मुस्लिमों का मकसद एक अच्छे इंसान की तामीर है। यहाँ पर प्राइमरी सतह से ही बच्चों को न सिर्फ जदीद तालीम से आरास्ता किया जाता है, बल्कि उनके अखलाकियात पर भी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। सतह से ही बच्चों को अमन और यकजहती का दर्द दिया जाता है, और उनमें वतन परस्ती और वतन की खिदमत करने का जज्बा पैदा किया जाता है। In South India, we are the second or third oldest institution, reaching 96 years now, and this is the part of the Aligarh movement which Sir Syed Khan started, and we are the recipient and revivers of those movements. सन 1919 में सबसे पहले अंजुमन नर्सरी स्कूल की बुनियाद पड़ी, 1929 में जिसे हाई स्कूल में तब्दील किया गया। आज ये स्कूल एक तरक्की याफ्ता भटकल की बुनियाद है। बिगिनिंग ऑफ अंजुमन यू बी सरप्राइज टू नो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मदरसास, सो द ऑलवेज व्हेन वी स्टार्टेड अंजुमन आवर होल व्यू वाज इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोथ दीनी एंड दुनियावी, वी नेवर सेपरेटेड एज सेकुलर एंड रिलीजियस एजुकेशन। सो अंजुमन यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के जरिए भी तालीम दी जा रही है, जिससे तुलबा की मुकम्मल तरबियत हो रही है। स्मार्ट क्लासेस में हम लोग सब सब्जेक्ट लेते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट लेते हैं। अभी लास्ट ईयर भी हमने इंट्रोड्यूस किया है ये जो स्मार्ट क्लास डिजिटल बोर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया है, और उसमें आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल मैथड जो मोस्ट जो एडवांस है, तो उसमें जो है ये इवन तुलबा की मुकम्मल तरक्की के लिए इनके जिस्मानी कुव्वत का भी ध्यान रखा जाता है, जिसके तहत उन्हें खेल कूद का मुकम्मल मौका फराहम कराया जाता है।
डिपार्टमेंट में अलग अलग लाइब्रेरी का इंतजाम किया गया है, लेकिन एक खास लाइब्रेरी है जिसमें मुख्तलिफ शोबों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा अपनी जरूरत की निसाबी और गैर निसाबी किताबें हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ई लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया है जिससे तुलबा को दुनिया की तमाम इल्म को हासिल करने में मदद मिलती है। तुलबा में बेहतर अखलाकियात पैदा करने की गरज से इस्लामी तालीम को खुसूसी अहमियत दी गई है। यहाँ पर एक मस्जिद भी है जहाँ तुलबा बकायदगी से नमाज अदा करते हैं। दीनिया मिनिमम 3 पीरियड्स इन ए वीक, यानी जो है दीनी तालीम भी उनको दी जाती है, उसकी भी अहमियत है, उसमें दीन अखलाक और ये भी सिखाया जाते हैं, सो दैट पीपल डू नॉट गो अवे फ्रॉम यू नो आवर बेसिक वैल्यूज एंड आवर दीन। उसके अलावा अंजुमन जो है फंड कर रही है आसपास के उर्दू स्कूल में दीनियात सिखाने के लिए, हमारी तरफ से जो है दीनियात टीचर मुकर्रर किए गए हैं। तुलबा में मुकम्मल सलाहियतें पैदा करने के लिए तालीम के साथ साथ उन्हें खेलकूद और बाद दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से भी जोड़ा जाता है। इंडोर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ खेल के सामान मौजूद हैं। एक खुले और खुशगवार माहौल में तुलबा को पढ़ाई करने में लुत्फ आता है। यहाँ पर एक बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। तालीम हासिल कर रहे तुलबा के लिए यहाँ पर सभी तरह की सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर साइंसी तजुर्बात के लिए मुख्तलिफ लैब्स बनाए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लैब्स मौजूद हैं। मशीन लैब में तुलबा को बड़े प्रोजेक्ट करवाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में इलेक्ट्रिक और मशीन से जुड़े बड़े तजुर्बात कराए जाते हैं जो न सिर्फ तुलबा की पढ़ाई में काम आते हैं बल्कि उनकी आइंदा जिंदगी में भी मदद करते हैं। अंजुमन को बेहतर तरीके से चलाने में यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक अहम रोल रहा है। बोर्ड के जरिए तालीम से जुड़े सभी फैसले इत्तेफाक राय से लिए जाते हैं और मेंबर्स सभी फैसलों का एहतराम भी करते हैं। दिस इज वन ऑफ द खुसूसियत हमारी जो इंस्टीट्यूशन की है, ये इज्तिमाई जमहूरी तौर पे हम लोग चला रहे हैं। यहाँ पे बाकायदा जो है इलेक्शन होता है जैसा कि पार्लियामेंट में होता है, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर को जैसे सेलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट, इसी तरह एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है। और इससे क्या होता है, एक एडवांटेज, यानी हम लोग को एक एहसास होता है कि वी आर इलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी, सो वी आर ऑलवेज केयरफुल to you know be careful about what the society wants. यहाँ के तुलबा के जरिए मस्जिद नबवी का एक मॉडल बनाया गया जिसको पहला इनाम हासिल हुआ है। प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ अंजुमन हामी मुस्लिमीन का ये सफर अब 16 तालीमी इदारों तक पहुँच चुका है जिसमें
پرائمری سے لے کر کے اعلیٰ تعلیم کے ادارے موجود ہیں۔ Still, we are not interlimited to go outside. See, the problem is education is ever expanding. We are not born into medical side. We have to got a lot of technology side. So we are still looking at more and more courses. And in the next 5-6 years, centenary year, we want to make it an independent university, its own independent university. We have not decided anything, but our objective is to make the university and our own courses, and later on a medical college. Maybe other related medical subjects. So this is a lot of finances, but I think our people are ready, and some groundwork has been done on certain courses. We'd like to be a campus-based university, like Aligarh, within the four walls. But we are prepared to give our expertise to others to start that way. See, whoever new students are coming, we are prepared to help them, hold their hand, and so that they take our experience, share our experience, and take it. That's it. انجمن نے بھٹکل میں تعلیم کی روش کا آغاز کر کے ایک تعلیم یافتہ سماج کی تعمیر کی ہے، جس نے بھٹکل کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ انجمن سماج میں امن اور یکجہتی پیدا کرنے والا ایک اہم ادارہ بن چکا ہے، جو تمام دنیا کے سامنے اپنی ایک مثال قائم کرے گا۔ افتخار وطن انجمن، انجمن انجمن انجمن، اے وقار وطن انجمن، انجمن انجمن انجمن، عرض بھٹکل میں وجہ حسنات ہے، صدیق ایم ایم و ایج کی سوغات ہے، انجمن چشمہ فیض و برکات ہے، فکر افیے حسن انجمن، فکر افیے حسن انجمن، انجمن انجمن انجمن، علم و حکمت کا در اصل رازداں، آگہی کا یہ مینار منزل نشاں، اس پر قربان وطن کا ہے پیر و جوان، شاہدار وطن انجمن، انجمن انجمن انجمن، اپنے اسلاف کی ایک امانت ہے یہ، جہل کے روبرو ایک بغاوت ہے یہ، نازش قوم ہے فخر ملت ہے یہ، اے نگار وطن انجمن، انجمن انجمن انجمن، علم و فہم و فراست کا یہ گلستا، طائران چمن اس کے ہیں نغمہ خواں، یہ روایات اس ماضی کی ہے پاسباں، یہ روایات ماضی کی ہے پاسباں، لالا زار وطن انجمن، انجمن انجمن انجمن، رہبر علم دنیا و دین انجمن، اس کی بخشش ہے باطن کی فکر و سخن، اس کے خادم تھے مرحوم عثمان حسن، نغمہ بار وطن انجمن، انجمن انجمن انجمن، انجمن.